हो गया, ठीक है। एंटीबायोटिक कौन देता है? ये मेडिकल से नहीं मिलती क्या? मिलती है, लेना चाहिए ऐसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। क्यों मर जाएंगे? तो ज्यादा क्यों खाने का मतलब? मतलब 8-10 गोली साथ में खा लेगा तो? कोई भी खाएगा, एक ही गोली खाएगा ना? तो पागल तो ऐसे ही मतलब बिना खाए भी उन लोग चल दें। चलो, एंटीबायोटिक्स किस चीज के लिए होते हैं? सो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एंटीबायोटिक्स आर किलिंग द बैक्टीरिया, दे आर टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स होता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या होता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या रहता है? एंटीबायोटिक्स। समझ में आया ये? ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो है इसका हिस्ट्री वगैरह अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। क्या हो गया तो बैठा कोई सर? फिर अरे थोड़ा सांस अंदर लेना, जरा बैठने दो उसको भी भाई, वो भी तरह। एंटीबायोटिक्स जो है इट इज यूज्ड फॉर किलिंग द माइक्रोब्स, ठीक है। एंड इट वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, वो आगे देखेंगे हम लोग कैसे डिस्कवर्ड हुआ। सो बेसिकली आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो जब कभी जब कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में होता है, सो डेफिनेटली बॉडी के अंदर कौन सा ग्रोथ हुआ है? बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है। जब बैक्टीरिया अंदर बढ़ता है ना, तो आपको बुखार आता है। बुखार क्यों आता है पता है? जब बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, आप दूध को गर्म क्यों करते हो? जर्म्स मारने, मतलब बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, हार्मफुल बैक्टीरियाज को, बराबर। और अगर आपने इसको हीट नहीं किया तो फिर क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा, राइट। वैसे ही आप अपने बॉडी में जो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, अपने बॉडी में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो रहा है, तो जैसे ही बैक्टीरिया का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, आपका बॉडी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ताकि नेचुरली आप अपने बैक्टीरियाज को किल कर सको। एंड दैट इज अ रीजन फीवर आता है। तो फीवर अच्छे के लिए आता है, बट हम क्या करते हैं? दवा खा के फीवर कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर्स क्या करते हैं? बुखार कम होने की भी दवा देंगे और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि बुखार कम करना जरूरी है। यस और नो? लेकिन बुखार कम होगा तो बैक्टीरिया को कौन मारेगा? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए साथ में फिर क्या मिलता है? एंटीबायोटिक्स। क्या मिलेगा? एंटीबायोटिक्स। और जब कभी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है, 2-3 दिन 4 दिन या 5 दिन तक रेगुलरली खाने बोलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया 1-2 दिन में नहीं मरता है। सो रेगुलरली जब तक आप 4-5 दिन तक उसको नहीं खाएंगे एंटीबायोटिक्स को, जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाएगा नहीं। मान लो डॉक्टर ने 5 दिन बोला, आपने 3 दिन में आपको एकदम फिट हो गया, बोले आप खत्म, 2 दिन का कोर्स आपने छोड़ दिया, तो अंदर मान लो 15,000 में से 200 भी बच गए ना बैक्टीरिया, तो 200 से वापस 2,000 हो जाएंगे 3 दिन के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करते हैं। इसके लिए कोर्स पूरा करने का एंटीबायोटिक का, समझ में आया? चलो, अब डॉक्टर के पास गए, बुखार था, डॉक्टर को ये नहीं पता है टाइफाइड था, मलेरिया था, डेंगू था, पेंगू था, लवेरिया था, क्या कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया? सीधा अपने को एंटीबायोटिक लिख के दे दिया। अब वो एंटीबायोटिक ऐसी लिख के देगा जो हर किसी बीमारी के लिए यूज होए, ठीक है। तो जब कोई एंटीबायोटिक कॉमन होगी ना, बहुत सारे डिसीजेस के लिए कॉमन, उसको हम लोग बोलेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्या बोलेंगे उसको? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर आप 2 दिन में आपको बुखार नहीं गया, 3 दिन में नहीं गया, 4 दिन में नहीं गया, वापस डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई साहब अभी आप जाओ ब्लड टेस्ट करके लेके आओ। ब्लड टेस्ट किया तो मालूम पड़ा सेल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? मतलब द बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड, ठीक है। तो अब डॉक्टर को मालूम पड़ गया मलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं है, कोलेरा नहीं है, है ना, क्या है? टाइफाइड है। तो डॉक्टर को मालूम है टाइफाइड के लिए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कौन सी है। तो जब पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, नैरो वाला पर्टिकुलर के लिए, ठीक है, नैरो वाला पर्टिकुलर के लिए। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम बुलाना तो सबके लिए, उल्टा डाल दिया इसके अंदर, पहला ये आना चाहिए था, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉमन, नैरो स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर डिसीज के लिए रहेगा, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रहेगा। एग्जांपल्स देख लो, ब्रॉड का एग्जांपल क्या है? एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन। बोलिए वापस, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ए ए
टी, वापस बोलिए एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, और वापस बोलिए वंस अगेन, ठीक है। और नैरो के एग्जांपल देखो, पी ई जी पेज, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, बोलो पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, वापस बोलिए पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, वंस अगेन पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, वापस पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन। सो जब नैरो स्पेक्ट्रम बोला तो पी ई जी पेज, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोला तो ए ए टी, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, याद रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक का ही मैंने क्रॉप करके डाला है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है ना हर एक के लिए अलग अलग रहता है, जेंडर पे भी डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है और बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। डॉक्टर अभी जैसे कि क्रोसिन है, ठीक है, तो क्रोसिन की दवा छोटे बच्चों के लिए भी होती है और एडल्ट के लिए भी होती है और चाइल्डहुड के लिए भी होती है अलग अलग स्टेजेस के लिए, बट डिपेंड करता है कि किसको कितना डोज देना है, समझ में आया। तो अगर आपका वेट 50 के ऊपर है तो आपका डोज अलग रहेगा, आपका वेट 20 के अंदर है दवा सेम रहेगी लेकिन अमाउंट ऑफ कंटेंट उसमें कम रहेगा, पावर डिफरेंट रहेगा। वही छोटे बच्चों के लिए तो सिरप रहता है तो सिरप में और कम पावर रहेगा, तो नाम क्रोसिन 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 ही रहेगा बट सब में कंटेंट उसका अलग रहेगा, तो डिपेंड करता है एज पे। क्रोसिन इज नॉट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में जितनी भी आप दवाई देखोगे ना उसमें लास्ट में एलाइन लिन लिखा रहता है या साइलिन लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे कि अभी देखो पेनिसिलिन, तो नाम देख के आपको मालूम पड़ेगा ये क्या है, एंटीबायोटिक। इधर भी आ जाओ, देखो यहाँ पे लिन 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 सिन सिन लिन, तो ऐसा देख के मालूम पड़ता है अपने को कि ये क्या है, एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। और जो बुखार उखार कम करने के लिए उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने में दवा को क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक, पायरेटिक। वैसे एक होता है पैरासीटामोल, है ना, ये पेन कम पेन किलर होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये साहब जो है इनका नाम है अलेक्जेंडर, क्या नाम इनका, अलेक्जेंडर, ठीक है। सो इन्हीं इन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, ऑलरेडी इस विश्व में था वो, ये नहीं, एंटीबायोटिक था लेकिन खोजने वाला व्यक्ति ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो भी पर्पसली नहीं, वो कर कुछ और रहते मिल कुछ और गया, ठीक है, कुछ और काम कर रहे थे लेकिन उनको पता चल गया किसके बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट्स हम लोग भी हमने भी किया है कॉलेज टाइम पे, ऐसा डिश होता है पेट्री डिश, इस पर एक जेल लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड अगार जेल, विद जेल अगार जेल, क्या नाम है, अगार जेल, अगार जेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू ग्रो द प्लांट्स, प्लांट्स को अगर आपको मिट्टी में नहीं ग्रो करना है ना लैब में ग्रो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अगार जेल। इसी के ऊपर बैक्टीरिया को मैश किया, स्प्रेड किया जाता है और स्प्रेड करके बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि अभी मान लो आपको ट्यूबरक्लोरोसिस है, टीबी, ठीक है, तो जब छींकते हैं ना तो बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं ना, निकलते क्या नहीं निकलते, तो उसका जो लिक्विड होता है वो लिक्विड को लेकर के अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे तो इसके ऊपर 3-4 दिन में पूरे बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो जाएंगे, और ये जो बहुत सारे बैक्टीरियाज जब मिलेंगे देन इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा माइक्रोब्स है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं,
ओके, तो माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है बॉडी के बाहर ताकि उसको पहचाना जा सके ये कौन सा माइक्रोब्स है, ठीक है। तो अब माइक्रोब जब इस पे लगा दिया तो माइक्रोब्स ग्रो होना चाहिए, बैक्टीरिया ग्रो होना चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या देखा, कहीं कहीं बीच में माइक्रोब्स जो है ना वो ग्रो नहीं हो रहे, स्पॉट्स है कुछ बीच में जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो रहे। तो उसने फिर पता लगाया, देखो यहाँ पे स्पॉट दिख रहे, यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहे। तो जब दूसरे दिन उसने आके देखा कि यहाँ पे क्यों नहीं ग्रो हो रहे, तो उसको पता चला कि यहाँ पे एक फंगस है। क्या है? फंगस। कौन सा फंगस है? तो उसने फाइंड आउट किया, द फंगस वॉज पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन एग्जाम्पल रही है। तो ये पेनिसिलिन फंगस क्या कर रहा है? कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके वजह से उसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया इज नॉट डेयरिंग टू ग्रो। और फिर बाद में उसने पता लगाया कि ये चीज हर बैक्टीरिया को मार रही है, तो उसका नाम क्या रख दिया? एंटीबायोटिक्स। पहले किसी को टाइफाइड होता था ना, तो उसकी कोई दवा नहीं थी, उसको मरना, जैसे कोरोना हो गया तो अरे बाप रे गया बेचारा, वैसे पहले किसी को टाइफाइड होता ना, खत्म, बोले अब गया, मलेरिया हुआ ना, खत्म। बैक्टीरियल डिसीज का इलाज ही नहीं था, लेकिन जब एंटीबायोटिक आया ना, तो इट वॉज अ रेवोल्यूशन इन मेडिसिनल इंडस्ट्री। ठीक है, इससे बहुत से लोगों की जान बचा ली बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक। सो अ प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट सेंट मैरी हॉस्पिटल हैड कल्चर वराइटीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगा इन द पेट्री डिश इन द लाइब्रेरी। ये तारीख पे वाइल ऑब्जर्विंग द स्टेफिलोकोकाई कल्चर ही मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इन वन ऑफ द पेट्री डिश। द पेट्री डिश द फंगल कॉलोनीज हैड ग्रोन, बट द एरिया अराउंड दोज कॉलोनी वॉज क्लीन एंड क्लियर। एज यू कैन सी, इट वॉज क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, दैट इज बैक्टीरिया हैड एक्चुअली बीन डिस्ट्रॉयड। इन फर्दर स्टडीज ही कन्फर्म दैट द फंगस ग्रोइंग देयर वॉज अ पेनिसिलिन। ये फंगस है, क्या ये फंगस है, और इस फंगस ने क्या प्रोड्यूस किया? कुछ मटीरियल, उसका नाम क्या रखा गया? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दस द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हैड बीन डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली एंड दिस वॉज। अच्छा, ये डिस्कवरी के बाद में ना, फिर बाद में इंटरेस्ट और बढ़ गया कि फंगस ये प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे बहुत सारे फंगस है, तो अलग अलग फंगस को फिर चेक किया गया कि कौन सा क्या प्रोड्यूस करता है, और फिर उसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स के एंटीबायोटिक्स बनाए गए। ठीक है, सो हार्मफुल बैक्टीरिया में सबसे पहले ये यूजफुल खत्म हो गया आपका, और यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया में सबसे पहला आपको जो स्टडी करना है वो है फंगस। फंगस कहाँ कहाँ ग्रो होता है? मैंने पूछा कहाँ कहाँ ग्रो होता है। सो हाँ, अभी खाने पीने की चीज की बात करो ना, क्योंकि हम लोग अपने ह्यूमन बींग की बात करें कि हमको कैसे हार्म कर रहा है, तो मशरूम वो ग्रो हो रहा है, वो अपने को कुछ नहीं कर रहा, उन्हें अपना ग्रो हो रहा है, जाकर उसको होने के। अपने को क्या कंसर्न है? चपाती पे, ब्रेड पे जो आता है, तो ब्रेड पे जो आ रहा है ना, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको पहले मैं वहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे जो आ रहा है, मान लो ये वाला एग्जाम्पल इज म्यूकर। क्या नाम है? म्यूकर। ठीक है, म्यूकर, इसका दूसरा नाम है ब्रेड मॉल्ड। क्या नाम है इसका? ब्रेड मॉल्ड। ठीक है, तो जो म्यूकर है ना, ये क्या कर, अच्छा ये होता कैसा, दिखता कैसा, अगर मुझे इसको माइक्रोस्कोप में देखना है ना, ठीक है, तो एनलार्ज करके मैं इसको माइक्रोस्कोप में देख सकता हूँ। लाइक इट लुक्स लाइक, और यहाँ पे ऐसा नॉब लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस, ये है म्यूकर। क्या ये म्यूकर, और इसके अंदर होते हैं पोर्स, स्पोर्स, लाइक दिस, स्पोर्स। ठीक है, और जब ये स्पोर्स फटते हैं ना, आई मीन ये जिसका ऊपर का कवरिंग फटता है, तो ये स्पोर्स जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, और ये स्पोर्स एयर में ऐसे सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है,
ठीक है, यकीन नहीं आता है ना, तो आप एक ब्रेड को यहाँ पे 3 दिन तक रखो, थोड़ा वेट करके गीला करके रखो, और आपको ऐसा स्ट्रक्चर उसके ऊपर ग्रो होते हुए दिखेगा। उसको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी स्पोर्स जो है इसके प्रेजेंट है। स्पोर्स सब जगह प्रेजेंट होते हैं। Wherever they will find a wet place on a good nutritive food, there they will land up and there they will grow. Spores. ठीक है? ऐसा खाना खाना अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और इनका टॉक्सिन को हम लोग बोलते हैं मेयोटॉक्सिन। क्या नाम है इसका? मेयोटॉक्सिन। फंगाई कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? मेयोटॉक्सिन। वापस बोलिए, फंगाई कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? मेयोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और मेयोटॉक्सिन जो है ये हार्मफुल होता है। इसको खाने के बाद में उल्टी जैसा लगता है, जुल्ला भी हो सकते हैं, लूज मोशन जिसको आप बोलते हैं, डायरिया वगैरह। तो बेसिकली आपके पेट का वातावरण खराब कर देगा ये, और फिर जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो सब आपके साथ में होंगी इससे। नेक्स्ट, क्लॉस्ट्रिडियम। जैसे फंगस एग्जाम्पल था हार्मफुल का, वैसे क्लॉस्ट्रिडियम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। ये भी आपके खाने वगैरह में प्रेजेंट हो सकता है, अगर खाना खुला रखा है या बहुत टाइम तक आपने उसको गर्म नहीं किया है, हार्मफुल माइक्रोब्स को मारा नहीं, तो फिर इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और एक बार इसकी ग्रोथ हो गई, अगेन आपको ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शन वगैरह कर सकता है। द सिम्टम्स हियर विल बी लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, अनडाइजेशन, ठीक है, एंड अनकम्फर्टनेस इन स्टमक। एग्जाम्पल, ये जो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, नाम क्या है इसका? क्लॉस्ट्रिडियम। क्या नाम है इसका? क्लॉस्ट्रिडियम। एक नहीं होता है, ये पूरे 100 से ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल्स है, मोर देन 100 एग्जाम्पल्स आर देयर। मतलब ये इसकी पूरी कॉलोनी होती है, पूरा इनका झुंड होता है बैक्टीरियाज का। ये एक सिंगल टाइप के नहीं होते, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऊपर नाम भी दिया, देखो ना, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलियम, देन डेफी। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट आपके चैप्टर का बचा है, दैट इज दिस, द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। डिसीज भी किससे होती है अपने को? माइक्रोब्स के वजह से ही होती है क्या नहीं? डिसीज किससे होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ क्या एड्स है, तो एड्स किसके वजह से होता है? वायरस। देन कोरोना किससे होता है? वायरस। देन सर्दी खांसी, कॉमन कोल्ड दिया है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी मतलब इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से होता है। वैसे ही अगर मैं कुछ बैक्टीरियल एग्जाम्पल, ट्यूबरक्लोरोसिस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, समझ में आए क्या? तो डिसीजेस किसके वजह से होती है? बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस। फंगस से होने वाली डिसीज आपको पता होगी, रिंगवॉर्म्स देखा है ना, एज गार्ड लगाते हैं, दाग हो जाते हैं, लाल लाल स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, वो रिंगवॉर्म है। रिंगवॉर्म किससे होता है? इट इज अ फंगल डिसीज। रिंगवॉर्म क्या है? फंगल डिसीज है। ठीक है, कभी कभी इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है फंगल डिसीज के अंदर कि वो जल्दी खत्म नहीं होता, इसका पूरा कोर्स करना पड़ता है डॉक्टर से। ठीक है, और डॉक्टर उसके लिए इंजेक्शन भी देता है, दवा भी देता है, नहाने के लिए साबुन भी अलग देता है, कपड़े भी धोने के लिए अलग बोलता है, क्योंकि वो कपड़ों से दूसरे कपड़ों में फैल सकता है, स्किन से क्लोथ में जाएगा, क्लोथ से दूसरे के पास जाएगा। सो एक परसेंट जिसको है, वो एक टॉवेल जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना सब लोग, अगर एक घर के अंदर किसी एक को इन्फेक्शन है तो टॉवेल्स शुड बी सेपरेट। होता है बहुत सारे केसेस में, मियाँ बीबी तो एक ही टॉवल यूज़ करेंगे कि अलग अलग, नहीं ये मेरा टॉवल है वो तेरा टॉवल, तो होता है। बट इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन इट शुड बी कंसीडर्ड कि टॉवल, क्लोथ्स, हैंडकरचीफ्स, ये सारी चीज़ों को अलग करना चाहिए, इनको धोना भी अलग चाहिए, उस पर डिटर्जेंट्स डाल के उसको किल किया जाता है बैक्टीरिया को, फंगस को। इतना ही नहीं, कपड़े धोने के बाद में उसको आयरनिंग भी करना पड़ता है, ताकि उसमें जो माइक्रोब्स है वो गर्मी से, हीट से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एक कंप्लीट 2-3 महीने का कोर्स होता है फंगल डिसीजेस के लिए। कुछ एग्जांपल्स इलाबरेट कर देता हूँ यहाँ पे मैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब ये होता कैसे, जैसे कि सर्दी खांसी है, क्लासरूम में किसी एक को सर्दी खांसी हुई है ना, तो 2-4 लोग को हो ही जाती है, ध्यान दिया रहेगा ना आप लोगों ने, क्योंकि सर्दी खांसी किससे होती है? वायरस। छींकते हैं ना तो वायरस बाहर निकलता है, फिर आप सांस अंदर लेते दूसरे लोग तो वायरस अंदर गया हो, ऐसे ही होता है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? बाय एरियल रूट, है ना, हवा से, पानी से, खाने पीने से।
ठीक है। वैसे यहाँ पे एड्स दिया है, एड्स इज स्प्रेड थ्रू द मिल्क ऑफ द मदर सफरिंग, या फिर अ वुमेन विल स्प्रेड द डिसीज, या मैन विल स्प्रेड द डिसीज, ठीक है। सो जब यहाँ पे बॉडी का फ्लूइड, बॉडी का लिक्विड एक्सचेंज होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो भी एक से दूसरे को मिल जाएगा। हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिसीज, कैसे होता है, बाय कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। इन्फ्लुएंजा, व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन देन आपको इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड का एग्जाम्पल वही है। वैसे मीजल है, चिकन पॉक्स है, ये माता वगैरह आती है ना जो, तो बोलने के लिए माता आ रही है बट एक्चुअली कौन आता है, वायरस आता है, वायरस के वजह से वो है, ठीक है। तो ना माता ना पिता कोई नहीं, कौन है, वायरस, इट इज़ अ वायरल डिसीज। वैसे ब्लड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू जैसा भी कोरोना निकला था, वैसे कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू आया था मार्केट में, ठीक है, वायरस, डेंगू वायरस। निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिसीज, निमोनिया का मतलब क्या होता है, आपके लंग का कंडीशन ही है, आपका लंग्स के अंदर है ना पानी भर जाता है, और पानी भरने से लंग्स अंदर से सड़ने लगता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज निमोनिया। लेप्रेसी एक अलग डिसीज़ है, इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज़। आपने देखा रहेगा कि कुछ लोगों की जो फिंगर्स है ना, ये सड़ने लगती है, नेल्स नहीं, फिंगर्स सड़ने लगती है, आस्ते आस्ते उसकी लेंथ, उंगली की लेंथ कम होती है और फिर उंगलियाँ पूरी ख़त्म ही हो जाती है, पूरा ऐसे रहते हो, अंडरस्टूड। सो हाथ आस्ते आस्ते डीजेनरेट हो रहा है, पैर भी आस्ते आस्ते ख़त्म होता है, लिप्स, नोज, ईयर्स, आस्ते आस्ते पूरा बॉडी उनका डीजेनरेट हो जाता है। घर पर जाके आप लेप्रेसी की फोटो देख लेना, मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज। कोलेरा कैसे होता है सबको मालूम है, गंदे पानी से, जब पानी अच्छा नहीं पीते हो आप, ठीक है, गटर का पानी पी जाते हो, ऐसा कोई पीता नहीं लेकिन मिलावट होके आ सकता है, कहीं लीकेज होता है पाइपलाइन में तो आप एक्सीडेंटली पीना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं ना पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है। आपको इतना पता है घर में जो पानी आ रहा है वो पाइपलाइन का आप ध्यान रखते हो, लेकिन वो पानी का पाइपलाइन कहाँ कहाँ से गुजर के आपके पास आ रहा है वो नहीं मालूम आपको, है ना। नेक्स्ट, मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिसीज विच इज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, विच मस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, ठीक है, फीमेल, मेल वाले नहीं करते, फीमेल वाले ही स्प्रेड डिसीज को स्प्रेड, वही खून पीने के लिए आते हैं, ठीक है, प्रोटोजोअल डिसीज। डेंड्रफ है, रिंग वॉर्म है, स्कैबीज है, ये कौन सी डिसीज है, फंगल, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब, अब ये डिसीज जिस किसी चीज़ से हो रही है उसके उल्टे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ब्लड या फिर सेमेन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे देयर शुड बी अ सेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड द रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस, तो उससे स्प्रेड नहीं होएगा। वैसे यहाँ पे किससे हो रहा है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड, तो यहाँ पे उल्टा दिखने का, वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड ड्रिंक, देखो फिल्टर वाटर एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, खाना खुला रहेगा तो डिसीज हो सकती है। टाइफॉइड कैसे होता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ और फिर एक वीडियो दिखा दूंगा, दैट विल बी द एंड। टाइफॉइड कैसे होता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया अपने तक आता कैसे, वो पूछ रहा हूँ, देखो टाइफाइड का बैक्टीरिया आप तक आता कैसे, मान लो ये वही है जो आप समझ रहे हो, क्या किया है, पोटी के क्या हुआ था इसको, टाइफाइड, ठीक है। तो अब इसके बैक्टीरिया इसमें भी रहेंगे, रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, अभी आप इधर हो, ठीक है, और आप खा रहे हो जलेबी, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये यहाँ से अरे क्या हो गया अभी, ये बैक्टीरिया यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और फिर जब ये वाला चीज आप खाएंगे तो उससे आपको टाइफाइड आएगा। इसको अपन बोलते हैं फीको ओरल रूट,
फीको ओरल रूट. फीको का मतलब ये फीकल मैटर है और ओरल मतलब ये आपका माउथ है. तो ये ओरल ये यहां से यहां पे आएगा. इसको क्या बोलेंगे? फीको ओरल. क्या बोलेंगे इसको? फीको. डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आएगा. लाइक फ्लाइज भिन भिनाते हुए आएगी आपके घर के अंदर और खुली हुई चीज पर बढ़ जाएगी, चाहे वो आपका माउथ क्यों ना हो. तो इसके लिए हर चीज को ढक के रखना जरूरी. समझ में आया? ठीक है. और फिर इससे इन्फेक्शन होगा और ये भी ऐसे ही फैलाएगा. या इसने हाथ नहीं धोया अच्छे से, बर्तन को हाथ लग, बर्तन से ही फैल सकता है. तो डिपेंड करता है लाइक कॉन्टैक्ट में आ रहे हो या फिर फ्लाइज उसको लेके आ रहे उसके